हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश, DAV पब्लिकेशन का। तो आगे बढ़ने से पहले, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी DAV पब्लिकेशन का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ और NCERT का भी बुक पढ़ाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पुश एंड द पैरोट। पुश ये एक कैट का नाम है, इसमें इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, इस पुश इस स्टोरी में इस कैट का नाम है और ये देखिए पैरोट है। इसी दोनों के बारे में यह स्टोरी है। चलिए नया न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा होता है। पाउज, पाउज मीन्स पंजा होता है। रेनिंग मतलब वर्षा। हियर मैंने सुनना, और वेट मीन्स इंतज़ार करना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। इट इज रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा कर्सर ले लेता हूँ, पॉइंटर हाईलाइट करने वाला पेन ले लिया हूँ। इट इज रेनी वर्षा हो रही है। पुश द कैट मतलब पुश जो कि कैट है, ये इज फीलिंग हंग्री मतलब भूखा महसूस हो रहा है उसे, मतलब वह भूखा, वह मतलब भूखा है। इज फीलिंग हंग्री मतलब वह भूखा है, वह भूखा महसूस कर रहा है, मीन्स वह भूखा है। There is no food means भोजन नहीं है। There is no rats कोई चूहा भी नहीं है। No rats चूहा नहीं है। He looks here, वह यहाँ देखता है, and there, वहाँ देखता है। He looks मतलब देखता है। Here and there यहाँ वहाँ देखता है। He see वह देखता है एक पैरोट को देखता है, जो कि क्या है, sitting है, बैठा हुआ है, on a tree एक पेड़ पर। He request वह request करता है उससे, the parrot मतलब parrot से वह request करता है। कहता है कि push कहता है मतलब cat कहता है। या मिस्टर पैरोट कहता है, मिस्टर पैरोट यू सिंग वेल तुम बहुत अच्छा गाते हो। प्लीज कृपया करके सिंग गाओ ए सॉन्ग एक गाना फॉर मी मेरे लिए। कह रहा है मिस्टर पैरोट यू सिंग वेल, वेल मीन अच्छा, तुम अच्छा गाते हो। प्लीज सिंग ए सॉन्ग कृपया करके एक गाना गाओ फॉर मी मेरे लिए। पैरोट कहता है इस पर फीलिंग वेरी हैप्पी बहुत खुश होकर, बहुत महसूस खुशी महसूस करता है बात सुनकर। फीलिंग मतलब महसूस करता है, वेरी हैप्पी बहुत खुशी, और कहता है यस हाँ, यस 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 हाँ। और गाना शुरू करता है ला 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 डम डी डम, इस तरह से गाना शुरू करता है। हम लोग चलते हैं अगले। देखिए पुश कहता है कि आई कांट हेयर या आई कैनोट हेयर, इसको कैनोट भी पढ़ सकते हैं। आई कैनोट हेयर मैं नहीं सुन सकता। यू मतलब तुम्हें मिस्टर पैरोट, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता मिस्टर पैरोट। प्लीज कम नियर मी कृपया करके, प्लीज कम मतलब आओ, नियर मतलब नज़दीक, मी मतलब मेरे नज़दीक आओ। फिर पैरोट क्या कहता है, पैरोट कहता है नो नो नहीं नहीं मिस्टर पुश, कैट को कहता है नो नो मिस्टर पुश यू मे तुम ईट मतलब खा सकते हो, यहाँ मे लगाओ तो बोल सकते हो। You may eat तुम खा सकते हो
मी मतलब मुझे, तो मुझे खा सकते हो। फिर पुश कहता है कि नो माई डियर, नहीं मेरे प्रिय, माई डियर, आई एम एन ओल्ड कैट, आई एम, मैं हूँ एन ओल्ड कैट, एक बुढ़ा कैट हूँ, मैं एक बुढ़ा बिल्ली हूँ, बुढ़ा कैट हूँ, बिलाल बिड़ाल हूँ। आई हैव नो टीथ, मेरे कोई दांत नहीं है, मेरे पास एक भी दांत नहीं है। आई कैनोट ईट यू, आई कैनोट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, कैनोट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। इस पर पैरट कहता है देन तब हेयर, तब मैं यहाँ आता हूँ, आई कम, तब मैं यहाँ आता हूँ। फिर आ करके वह लाला लाला करते हुए ला 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 डम डी डम ट्रा ला 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 इस तरह से गाना गाते हुए आता है। और जब आता है पास में तो पुश जंप्स, जो कैट था पुश जंप करता है, उछलता है ऑन द पैरोट, पैरोट के ऊपर, एंड होल्ड, और पकड़ लेता है हिम मने उसे, इन हिज पॉज, अपने पॉज में, अपने पंजों में पकड़ लेता है। उसके बाद पुश कहता है, पकड़ने के बाद, नाउ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू ईट, खाने, यू मतलब तुम्हें, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तो इस पर पैरोट का, पैरोट बोलता है कि यू आर ए गुड कैट, यू आर ए गुड कैट, तुम एक अच्छे कैट हो, यू आर ए गुड कैट, तुम अच्छे कैट हो। इफ यू वॉन्ट टू ईट मी, यदि, इफ मैंने यदि, यू मतलब तुम, वॉन्ट मतलब चाहते हो, टू ईट खाना, मी मतलब मुझे, इफ यू वॉन्ट टू ईट मी, यदि तुम मुझे खाना चाहते हो, यू मस्ट फर्स्ट वॉश, कह रहा है कि यू मस्ट, तुम्हें अवश्य, फर्स्ट मतलब पहले, वॉश मतलब धोना चाहिए, योर हैंड, अपने हाथों को, एंड फेस, और अपने फेस के चेहरे को धोना चाहिए। यदि तुम एक अच्छे कैट हो, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट मी, यदि तुम ये खाना चाहते हो, यू मस्ट फर्स्ट, तुम्हें अवश्य पहले वॉश मतलब धोना चाहिए, योर हैंड, अपने हाथों को, एंड फेस, और अपने फेस को धोना चाहिए। दैट इज व्हाट ऑल गुड कैट्स डू, यह वह चीज है जो ऑल गुड कैट, जो सभी अच्छे कैट्स डू मतलब करते हैं, मतलब हाथ धोते हैं और फेस धोते हैं पहले, खाने से पहले। इस पर पुश कहता है जस्ट सी हाउ फास्ट, जस्ट सी, केवल मुझे तुम देखो, जस्ट सी, तुम देखो कितना मैं फास्ट, कितना मैं जल्दी, आई वॉश, मैं धोता हूँ, केवल तुम मुझे देखो कि मैं कितना जल्दी धोता हूँ, आई वॉश, धोता हूँ माई फेस, अपने चेहरे को, एंड हैंड, अपने हाथों को। जस्ट सी, तुम देखो मुझे, हाउ फास्ट, मैं कितना जल्दी, आई वॉश माई फेस एंड हैंड, अपने हाथों को और मेरे चेहरे को, मैं कितना जल्दी धो लेता हूँ। यू स्टैंड, तुम खड़े रहो, हेयर मतलब यहीं पर, एंड सी, और देखो मुझे। और वो हाथ धोने चला जाता है, पैरोट का, इस पर फिर पैरोट बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू वेट, मैं इंतज़ार नहीं करने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वेट, मैं इंतज़ार नहीं करने जा रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू ईट मी अप, मैं अपने आप को, टू मीट मी, मुझे अपने आप को मतलब मुझे खिलाने के लिए, तुम्हें, मुझे तुम खाओ इसके लिए, ईट मी अप, मुझे तुम खाओ इसके लिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने नहीं जा रहा हूँ। हेयर, यहाँ, आई गो, मैं जाता हूँ, बाय बाय मिस्टर पुश, और इस तरह से बाय बाय मिस्टर पुश कह करके वह चला जाता है, वहाँ से उड़ जाता है, हाथ धोने गया तब तक इधर पैरोट उड़ जाता है। हम लोग चलते हैं अगले, अब क्वेश्चन आंसर है इसका, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखिए, इसमें
डू कह रहा है, डू इट इसे करें, डू मतलब करें, इट मतलब इसे, योर सेल्फ अपने आप से, बिना किसी के सहायता से अपने आप करना है ये, योर सेल्फ मैंने अपने आप। कलर मतलब रंगें, द बर्ड्स पक्षी को, बर्ड्स यू फाइंड जो तुम प्राप्त करते हो, इन द स्टोरी मतलब जो तुम्हें स्टोरी में जो वर्ड्स दिख, जो वर्ड्स मिला है स्टोरी में, जिस चीज़ जिस वर्ड्स के बारे में पढ़ना है उसको कलर करना है, यह स्टोरी में ये तो नहीं ना था, ये तो नहीं ना था, ये भी नहीं था, तो कौन था, तो ये पैरोट था, तो इसके बारे में इसको तुमको रंग देना है, इसको आप लोगों को रंग देना है। तो हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है टिक मतलब टिक लगाएं, द राइट एंड क्रॉस, सही और गलत का टिक आउट करना है, द रॉन्ग मतलब राइट के लिए इस तरह का टिक लगाना है और रॉन्ग के लिए इस तरह का टिक लगाना है, रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए। पहला है स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, इट इज ए रेनी डे, यह वर्षा का समय था, सही है, वर्षा हो रहा था स्टोरी में, सही है, हो जाएगा सही। पुश इज नॉट फीलिंग हंग्री, पुश भूखा नहीं था, वह भूखा महसूस नहीं कर रहा था, तो गलत है क्योंकि वह तो भूखा महसूस कर रहा था, इसलिए देखिए यहाँ पर गलत का निशान लगाया हुआ है। पुश इट्स द पैरोट, पुश ना पैरोट को खाता है, गलत है, खाता नहीं है, खाने से पहले वह उड़ जाता है, इसलिए यह रॉन्ग का निशान लगाया हुआ है। द पैरोट जंप्स ऑन पुश, पैरोट क्या करता है, पुश के ऊपर जंप करता है, ये गलत है, पैरोट नहीं जंप करता है, पुश जंप करता है पैरोट के ऊपर, इसलिए गलत रॉन्ग का निशान लगाया हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नहीं अभी थोड़ा सा और था इसमें। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब अरेंज मतलब सजाएं निम्नलिखित सेंटेंसेज को, फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित, नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित सेंटेंस को सजाएं इन द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। देखिए पहला स्टेटमेंट है, द पैरोट टेल्स पुश टू वॉश हिज हैंड, तो हैंड वाला तो बाद में आता है। पुश इज फीलिंग हैंग्री, पुश भूखा महसूस कर रहा था, ये पहले आता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट में, हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट में, ये हो गया आपका, इसमें एक लिख देते हैं, माउस से लिखना बड़ा, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए, सी सी ए पैरोट, द पैरोट फ्लाइज अवे, ही सी ए पैरोट, हंगरी था वह पैरोट को देखा, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद ही होल्ड द पैरोट, तो उसके बाद उड़ने से पहले, इससे उड़ने से पहले पहले उस पैरोट को पकड़ लेता है, तो थर्ड नंबर में हो जाएगा। उसके बाद द पैरोट टेल्स पुश, पैरोट कहता है पुश से टू वॉश हैंड, हाथ धोने के लिए कहता है, तो ये आपका थर्ड नंबर में, ये थर्ड हो जाएगा, तीसरा नंबर में। उसके बाद ना पैरोट उड़ जाता है, द पैरोट फ्लाइज अवे, तो इस तरह से ये पैरोट लास्ट में हो जाएगा आपका, ये फोर नंबर पर ये होगा। हम लोग चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे लिखे गए आंसर दें, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दें, हु इज हंग्री, भूखा कौन है, आंसर क्या होगा, द पुश इज हंग्री या द कैट इज हंग्री, पुश इज हंग्री। सेकंड क्वेश्चन है, हुम डज पुश वांट टू ईट, मतलब किसे, हुम मन किसे पुश चाहता था खाना, आंसर होगा पुश वांट पैरोट टू ईट, या फिर लिख सकते हैं पुश वांट टू ईट पैरोट, पुश वांट पैरोट, पुश पैरोट को चाहता था टू ईट खाना, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, ये सबको हटा दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पुश वांट पैरोट, पैरोट को चाहता था टू ईट खाना चाहता था, यहाँ पर भी पैरोट लिख सकते हैं या फिर इसको लिखने के बाद फिर लास्ट में भी पैरोट लिख सकते हैं, पुश वांट टू ईट पैरोट या फिर पुश वांट पैरोट टू ईट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, वेयर इज द पैरोट सिटिंग, पैरोट कहाँ पर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज द पैरोट सिटिंग, पैरोट कहाँ पर बैठा था, तो आंसर होगा
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आंसर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे द पैरोट इज, यहाँ पर इज लिखेंगे सीटिंग, उसके बाद इज के बाद सीटिंग लिखेंगे ऑन द ट्री, इसके बाद ऑन द ट्री लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज मोर क्लेवर, सॉरी हु इज मोर क्लेवर, कौन ज़्यादा क्लेवर था, कौन ज़्यादा चलाक है, हु इज मोर क्लेवर, कौन ज़्यादा चलाक है, पुस और द पैरोट, इसका आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी इन दिस स्टोरी पैरोट इज मोर क्लेवर, मेरे अनुसार तो पैरोट ज़्यादा चलाक है। तो आंसर अगर आपके अनुसार लग रहा है, जो लग रहा है उसके बारे में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी द पैरोट इज मोर क्लेवर, आंसर क्या लिखेंगे द पैरोट इज मोर क्लेवर, मोर मतलब ज़्यादा, कौन ज़्यादा क्लेवर है, वो मैंने कौन, इज मैंने है, कौन है, मोर क्लेवर मतलब ज़्यादा क्लेवर मतलब ज़्यादा चलाक, मोर मतलब ज़्यादा, तो हम आंसर होगा द पैरोट इज मोर क्लेवर। फिफ्थ क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा, द फ्लोइंग सेंटेंसेज, नीचे जो लिखा गया, फ्लोइंग मैंने निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है, ये सब सेंटेंस जो है लिखी, नीचे जो लिखा गया है कौन बोला है उसके बारे में लिखना है, इसमें भरना है। देखिए कोई बच्चा भर दिया है, चलिए देखिए पढ़ देते हैं, नाउ अब आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, कौन बोला होगा, तो ये पुस बोला है, पुस द कैट, इस तरह का यहाँ पे भरा भर दिया गया, आप लोग का बुक में नहीं भरा हुआ भर लीजिएगा। अब ये बोला है यहाँ यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड एंड फेस, तुम्हें अवश्य वॉश मतलब धोना चाहिए ऑफ योर हैंड्स एंड फेस, तो ये कौन बोला है, तो ये होगा आंसर इसका पैरोट बोला है। यू स्टैंड हेयर, तुम यहीं खड़े रहो एंड सी और देखो, ये कौन बोला है, तो यह पुश बोला है द कैट, इस तरह से यह पुश लिखा हुआ है इसका आंसर। उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी अप, मैं इंतज़ार करने नहीं जा रहा हूँ तुम्हारा, ईट मी अप अपने आप को मतलब तुम्हें खाने के लिए, तो ये कौन बोला है, तो पैरोट बोला है, इसका आंसर देखिए पैरोट भरा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले में अगला लेसन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी बुक्स DAB का हो या पब्लिकेशन का, NCERT का हो, सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, थैंक यू, बाय।